नमस्कार, चलिए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। झारखंड में बनेंगे 27,000 मेंटर टीचर। कोरोना संकट के बीच खुशखबरी है, झारखंड में 27,000 मेंटर टीचर बनेंगे। ये हर बच्चे को शिक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। राज्य की सभी पंचायतों में मेंटर टीचर की टीम बनेगी, मुखिया द्वारा ये टीम बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि कोई भी छात्र पढ़ाई से वंचित ना हो। झारखंड का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। झारखंड के किसानों को 5,000 के बदले मिलेंगे 42,000 रुपए। दरअसल मोदी सरकार की यह एक पेंशन स्कीम है जो भारत के 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के किसानों के लिए है। इस योजना के तहत आपको हर महीने 55 रुपए से 200 रुपए का निवेश करना होगा। जब किसान की उम्र 60 साल हो जाएगी तो किसान इस योजना के तहत पेंशन पाने के हकदार हो जाएंगे। किसान की पेंशन की राशि हर महीने 3,000 रुपए बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेडिकल अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टरों से बात कर अस्पताल में भर्ती शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत हो तो शिक्षा मंत्री को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली या अन्य जगह भेजा जाए। उपायुक्त ने किया रजरप्पा मंदिर का दौरा। झारखंड सरकार के निर्देश पर 8 अक्टूबर से दर्शन देगी मां छन्नमस्ती के। 17 अक्टूबर को शुरू हो रहे नवरात्रि से पहले देश के प्रसिद्ध सिद्धिपीठ रजरप्पा स्थित मां छन्नमस्ती के मंदिर का पट खुलने जा रहा है। रामगढ़ जिला के उपायुक्त संदीप सिंह, एसपी प्रभात कुमार सहित कई अधिकारियों ने इस संबंध में रजरप्पा मंदिर का दौरा किया। जेएमएम बिहार में 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आरजेडी अपने 144 सीट में से जेएमएम को सीट देगी। एनडीए में वीआईपी और हम की एंट्री। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार एनडीए में मंगलवार को सीटों का बंटवारा हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को 121 सीटें और जेडीयू के हिस्से में 122 सीटें आई। इसमें से जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 7 सीट देगी। बीजेपी अपने 121 सीट के कोटे से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को कुछ सीट देगी। मूसलाधार बारिश के बीच रात भर चट्टान पर डटा रहा मछुआरा। 22 घंटे से कोयल नदी में फंसा रहा मछुआरे बिल्सन मड़की की जान एनडीआरएफ की टीम ने बचा ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर एनडीआरएफ की टीम रांची से घटना स्थल पहुंची और मड़की को रेस्क्यू किया गया। कृषि कानून पर कांग्रेस का विरोध। राहुल को हरियाणा में एंट्री से रोका गया तो धरने पर बैठे। कहा 5,000 घंटे इंतजार करेंगे, फिर 100 कर्मचारियों के साथ जाने की मंजूरी मिली। नोबेल प्राइज 2020। ब्लैक होल की राज बताने वाले 3 वैज्ञानिक रोजर पेनरोज, आर गेंजेल और एंड्रिया गेज को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईपीएल न्यूज। आज का आईपीएल का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। हर दिन के बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।